आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। इस वक्त हम गाजियाबाद लोकसभा सीट पर मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कश्यप जी हैं। जी सर, कैसी तैयारी चल रही है चुनाव की? गाजियाबाद लोकसभा की सीट परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, जिस पर पिछले लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 5.25 लाख वोटों से चुनाव जीता था। इस साल चूँकि 7 साल डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों का जो एक कालखंड है, उसने देश की राजनीति की, देश के विकास की तस्वीर को बदला है, जिसका व्यापक असर गाजियाबाद के अंदर भी देखने को मिला है। इसलिए इस बार लोकसभा का चुनाव गाजियाबाद का भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नए इतिहास की सृजना करने वाला है। गाजियाबाद के सभी हमारे विधायक, सभी हमारे MLC, संगठन के सभी लोग आपसी सामंजस्य बनाकर बहुत बारीकी के साथ हर मतदाता के साथ संपर्क करके चुनाव की ऐतिहासिक जीत की तैयारी कर रहे हैं और हम निश्चित हैं कि गाजियाबाद की लोकसभा का परिणाम देश की राजनीति में एक नया रूप देने वाला होगा। सर एक बात और, ये महंगाई के जो लगातार और बेरोजगारी के जो आरोप, मतलब ये मसले बताए जा रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है और महंगाई चरम पर है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कर रही है पार्टी? जब से प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ है, तब से विपक्षियों को पच नहीं रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, 5 साल सबने कहा महंगाई बढ़ी है जी, बेरोजगारी बढ़ी है जी, ये हुआ जी, वो हुआ। लेकिन 2019 का जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी NDA जो 2014 में 336 सीट जीतकर सरकार बनाने में सफल हुई थी, वही NDA 2019 में 353 सीट जीतने में कामयाब हुआ। अगर महंगाई के उनके बेबुनियादी मुद्दे का कोई असर देश में प्रदेश में होता तो भारतीय जनता पार्टी का परिणाम आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखता। 2024 के पार्लियामेंट का चुनाव देश की जनता बताने वाली है कि विपक्ष के जो बेबुनियाद आरोप हैं, कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन केवल भ्रष्टाचार का पोषक है, परिवारवाद की राजनीति की परिधि में काम करता है, देश प्रदेश की जनता उनको नकार रही है। इसलिए 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में NDA 400 से भी ज़्यादा सांसद जीतकर तीसरी बार फिर अपनी सरकार बनाने जा रही है। अच्छा सर, ये केजरीवाल जी जो लिप्त हैं शराब घोटाले में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस पार्टी ने ईमानदारी का ढोल पीट कर दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, शराब के घोटाले से ये स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल साहब की पार्टी ईमानदारी का ढोल जरूर पीटती है लेकिन काम वो भी वही कर रही है जो कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए शराब घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाले का मामला ED के द्वारा उजागर हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सहित बहुत सारे नेता जेल की सलाखों में है और प्रधानमंत्री जी ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि देश को लूटने वाला कोई व्यक्ति जेल जाने से बचेगा नहीं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, वैकेंसी जैसे जो भर्तियों को लेके बार बार पेपर लीक होना, इस भ्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल हमारी पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ, संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन, आदर्श आचार संहिता को लागू करने के साथ साथ नकल को रोकने के लिए नकल विरोधी कानून बनाने का संकल्प भी लिया है। आने वाले समय में हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हमारे नौजवान छात्र छात्राओं को ऐसी तमाम चीज़ों से ना गुजरना पड़े जिसके कारण उन्हें अपने एग्ज़ाम में दोबारा तिबारा बैठने का के लिए मजबूर होना पड़ता है।
तो इस तरह की चीज़ों पर भी हम बंदिश लगाने का काम करने वाले। कुछ लोगों का कहना है कि मतलब इलेक्शन जैसे ही आते हैं तुरंत भर्तियां निकाल दी जाती हैं और फिर उसके बाद उससे पहले पेपर लीक होते रहते हैं, तो इस बारे में थोड़ा बताइए। विरोधियों का कोई हथकंडा अब देश में काम नहीं आता। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें, चुनाव अब हो रहा है, अब थोड़ी नौकरी निकाली है। हमने उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी हैं। करोड़ों लोग अब हमारे प्राइवेट सेक्टर में रोजगार से जुड़ने वाले हैं। तो केवल रोजगार कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, रोजगार देश और प्रदेश के नौजवानों की आवश्यकता है, जिसे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पूरा करने के लिए तत्पर हैं। हम लगातार आपको जमीनी हकीकत चुनावी कवरेज की जो है दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.